साडे उत्ते कृपा करदे ने, सभना जीआं का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। हुण पहले बंद दे अंदर कृपा कर दिते। सोरठ महला पंजवा घर पहला ते तुके। सोरठ राग है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का उचारण किया हुआ यह शब्द है। घर पहले दे अंदर गायन करना, एक एक पदे दे अंदर तीन तीन तुका हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु परमात्मा एक है, सारिया शक्तियां दा मालक है, सर्व व्यापक है, सतगुरु दी कृपा नाल प्राप्त हुंदा है। किस हो जाची किस आरादी जां सब को कीता होसी। वाहिगुरु परमात्मा जी, जे सारे जीव तेरे पैदा किते हुए हन, ते सारियां नूं दाता देन वाला तू है, फिर मैं तैनू छड़ के होर किसे कोलो क्यों मंगा? जाची तो भाव मैं क्यों मंगा? क्या आराधी ते की मैं किसे दी आराधना करा, भाव किसे दी मुथाजी कढ़ा? सब कुछ तू आप पैदा करन वाले, आप ही सारे जीवां नूं दाता देन वाला है, ते फिर मैं तैनू छड़ के होर किसे कोलो क्यों मंगा, ते क्यों किसे दी मुथाजी कड़ा? जो जो दिसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी। जो जो दुनिया दे अंदर वड्डे वडेरे दाता दा हंकार करन वाले, मान करन वाले नजर आ रहे हन, इन सबना ने अंत वेले खाक विच मिल जाना है, मिट्टी विच रल जाना है, क्योंकि कबीर माटी के हम पुत्रे मानस राख्यो नाओ, चार दिवस के पहुने बड बड रुद ठाओ। कबीर तूर सकेल कै पुरिया बांधी दे। महाराज आखदे ने यह देई एक पुड़ी दी तरह मिट्टी कठी करके बना दिती गई है। फिर आखदे ने चार दिवस को पेखना अंत खे की खे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक कवित दे अंदर कृपा कीती, जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्र धारी, शत्र ही की छाया कई कौशलो चलत है, बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े भूतपन के द्रव को दलत हैं, मान से महीप और दलीप के से शत्र धारी, बड़ो अब मान पुज दंड को करत हैं, दारा से दलीसर दर्योधन से मान तारी, भोग भोग पोम अंत पोम ही मिलत है। जो जो दिसे वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी। कौन वड़ा? माया वड़ियाई, सो वड़ा जिन राम लिव लाई। दुनिया दे विच अपने आप नूं वड़ा अखवान वाले, हंकार करन वाले महाराज आखदे ने अपनी सिफत सलाह करा के दुनिया तो चले जाणगे, अंत मिट्टी दे विच मिल जाणगे, खाक दे विच मिल जाणगे। निरभाओ निरंकार भव खंडन सब सुख नव निद देसी। सिर्फ एक वाहिगुरु परमात्मा सारे सुख देन वाला है, जेड़ा नौ खजानिया दा मालक है, नौ खजाने जिस उत्ते कृपा कर देवे उन्हूं धरती दे प्राप्त हो जांदे ने। ओ वाहिगुरु परमात्मा आकार तो रहत है, निरंकार है, ते जन्म मरण दा चक्कर मिटान वाला है। ओ वाहिगुरु परमात्मा निरभाओ है, भाव
उस निरभाओ निरंकार पव खंडन वाहिगुरु परमात्मा का सिमरन करिए, जेड़ा जन्म मरण का चक्कर मिटाने वाला है, सारे सुख देने वाला है, धरती के नौ खजानिया का मालक है, दुनिया के अंदर जिदा मर्जी कोई वड्डा बंदा होवे वह भी उसके दर का भिखारी है। इस वास्ते दुनिया नू नहीं वाहिगुरु परमात्मा की सिफत सलाह करनी, क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने संसार के लोगों शरीर नालों तोड़ के एक वाहिगुरु परमात्मा के नाल जोड़िया, किरतम नालों जोड़ के करते दे नाल जोड़िया। आ जिहड़े आपां बचन पढ़ते हैं, एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है, इसकी व्याख्या भाई गुरदास जी ने बड़ी सुंदर पौड़ी के अंदर सानू समझाई है। भाई साहब जी उस पौड़ी के अंदर जिस विच आपां पढ़ते हाँ, सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया, इस विच एक पंक्ति अंकित करते ने, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल युग अंदर एक दिखाया। बाबा नानक जी ने सारे जीवां नूं परिपूरन एक वाहिगुरु परमात्मा दे नाल जोड़िया है। इत्थे महाराज कृपा करदे ने, सब कुछ वाहिगुरु परमात्मा तू करन वाला है, सारे जीवां नूं दाता तू देन वाला है, सारे सुख तेरी कृपा दे नाल मिलदे ने, धरती दे नौ खजाने तू आप प्रदान करन वाला है, फिर मैं किसे बंदे दी मुताजी क्यों कड़ा, किसे कोलो क्यों मंगा, केवल ते केवल मैं ता तैनू ही आराधदा हां, क्योंकि तू निरभाओ है निरंकार है ते जीवां दा जन्म मरण दा चक्कर कट्टन वाला है। रहाओ जिन हर त्याया सब किछ तिसका, तिस की भूख गवाई। जिन्हें हरि वाहिगुरु परमात्मा नू त्याया आराध्या, वाहिगुरु परमात्मा दा सब कुछ उस दा हो गया। फिर ध्यान देवियो, वाहिगुरु परमात्मा दिया दाता दा ओ मालक बन गया। वेखो आपा गुरु बारे भी ते वाहिगुरु परमात्मा की कृपा दे बने हुए रब दे जिहड़े प्यारे ने उन्हां बारे भी ये बचन पढ़दे आ। पहली गल, जिन्हां ने ध्याया वाहिगुरु परमात्मा का सब कुछ उन्हां दा किवें बन गया, यह गल ध्यान विच रखनी है, क्योंकि उन्हां दी अवस्था यह बन गई, जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल किलाली। दाता एक है पर गुरु महाराज कृपा करते ने, सतगुरु भी दाता है, सतगुरु भी दाता है, गुरदाता गुर हिवे घर गुर दीपक त्यों लोए। एक पासे आप पढ़ते हाँ, दाता एक है वाहिगुरु परमात्मा, पर सत्संग दूजे पासे बारी अंदर यह भी पढ़ते हाँ, नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। जिन्हां ने ध्याया वाहिगुरु परमात्मा का सब कुछ उन्हां दा बन गया। सतगुरु ने कृपा की पावन बाणी के अंदर, आप सवारे मैं मिले मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। हुण सब जग तेरा होए, जिन हर त्याया सब किस तिसका, जिन्हें हरि नू त्यारिया हरि दा सब कुछ उन्हां दा बन गया, क्योंकि उन्हां नू जने खने दी मुथाजी कड्डन दी लोड़ नहीं रहिंदी, ओ हरि दा रूप बन जांदे ने। हरि अपनियां दातां अपना खजाना उन्हां उत्ते विश्वास करके उन्हां नू सौंप देंदा है। सात संगत आप इतिहास नू पढ़िए, इत्थे एक लैन वास्ते आए सत सत मिल गए,
वचन आप पढ़ते हां माई सुलखनी के संबंध में जे आप काले चौधरी के भतीजिया की गल पढ़ते हैं फूल ते संदली की उन्हां उत्ते भी कृपा हुई पर बेनती करा नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवै कि तुन पवन पुरीत जिन हर ध्याया सब किश तिस का तिस की भुख गवाई उसकी सारी भुख दूर हो गई जिन्हें वाहिगुरु परमात्मा नु ध्याया क्योंकि साचे नाम की लागै भूख उत भुख है खाए चले हैं दुख मन भुखा भुखा मत करें मत तू करें पुकार लख चौरासी जिन श्री सबसे दे आधार वाहिगुरु परमात्मा नु जिहड़े ध्यांदे हन वाहिगुरु परमात्मा दा सब कुछ उन्हां दा बन जांदा है ते उन्हां दीआं सारीआं भुखां दूर हो जांदीआं हन ऐसा धन दिया सुख दाता निखोट ना कब ही जाई सुखां दा दाता वाहिगुरु परमात्मा उन्हां नूं उह नाम धन दे देंदा है जेड़ा कदी निखुटदा नहीं जेड़ा कदी मुकदा नहीं क्योंकि खामे खर्चे रल मिल भाई तोट ना आवे वध दो जाई वाली गल क्योंकि ये धन अखुट ना निखुटै ना जाए जदों सुखां दा दाता वाहिगुरु कृपा करदा है फिर ओ धन उन्हां नूं दे देंदा है जेड़ा कदी मुकदा नहीं आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई जिन्हां नूं सतगुरु ने वाहिगुरु परमात्मा दे चरणां नाल जोड़ दिता वाहिगुरु परमात्मा दी याद विच जोड़ दिता वाहिगुरु परमात्मा दे सिमरन विच जोड़ दिता महाराज आखदे हन उन्हां नूं जीवन दे विच आनंद प्राप्त हो जांदा है उन्हां नूं आत्मक सुख मिल जांदा है वह आत्मक अडोलता दे अंदर टिक जांदे हन मन नाम जप नाम आराध अन दिन नाम वखाणी इस वास्ते हे मना वाहिगुरु परमात्मा दा नाम जप वाहिगुरु परमात्मा दी आराधना कर हर रोज अपनी जेबा तो उसका नाम वखाणी तो भाव सिमरिया कर लौड़ पैण ते नहीं हर वेले उनू याद रखना है क्योंकि दिन राती आराधो प्यारो निमख न कीजै ढीला या महाराज बचन करदे हन हर जप दिया अखिन ढिल न कीजई मेरी जिंदड़िए मत के जापे सा आवे के ना आवे राम उस वाहिगुरु परमात्मा नू हमेशा ही जपना है हमेशा ही आराधना है ते हमेशा ही उसका जस अपनी रसना तो बोलना है उपदेश सुन साध संतन का सब चूकी कान जमानी जो सिखिया रब दे प्यारे संत जन साध जन देंदे हन ओनू सुनना कर ते सुनन तो बाद तैनू लाभ की होवेगा जमा दी कान जमा दी मुथाजी तेरी सारी मुक जावेगी चौकी कान जमानी तो भाव तेनू जमा दा डर नहीं रहेगा कदों जदों प्रभु प्यारियां दी संगत करके उन्हां दी सिख्या उत्ते अमल करेगा गुरमुखो तन करके संगत करन दा लाभ है पर मन करके जदों आपां जो कुछ संगत दे अंदर कीर्तन दे रूप विच विचारां दे रूप विच पाठ दे रूप विच सरवण करदे हां जदों उहनूं अमल विच लियावांगे फिर केवल दुनिया दा डर नहीं बल्कि साथ संगत जमा दी मुथाजी भी जड़ी है ये मुक जावेगी क्योंकि महाराज पावन बाणी दे अंदर कृपा करदे हन एक ते टेक रख ते जदों एक ते टेक रखेगा फिर जमा दी कान तैनू नहीं रह जावेगी क्योंकि महाराज आखदे हन अपनी पावन बाणी दे अंदर जे साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा हौ अणा तू न छुट्टै निकट न जाइयो दूत इथे महाराज कृपा करदे ने जो प्रभु प्यारे उपदेश करदे हन सिख्या देंदे हन ओनू सुन के अमल विच लियावेगा ते फिर की होवेगा जमा दी मुथाजी
नहीं रह जावेगी, जमा दी कान चुक जावेगी। जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी, जिन्हां दे उत्ते मेरा वाहिगुरु कृपा करदा है बख्शिश करदा है ओ गुरु दी बाणी नाल लगदे हन। लगन तो भाव केवल पढ़न तक सीमित नहीं रहिंदे, केवल विचारन तक सीमित नहीं रहिंदे, बल्कि बाणी दा उपदेश अपने हिरदे दे अंदर भी वसांदे ने। पर ए दात वाहिगुरु परमात्मा कृपा होवे ता ही जीवन दे अंदर प्राप्त होंदी है। आपां सतगुरां दा वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा पढ़दे सुनदे हां, हम धनवंत भागड सच नाए, हर गुण गावें सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निधाना, लाल रतन जाका कशु ना मोल, परे पंडार अखूटिया थोल, खावें खर्चा रल मिल पाई, तोट न आवे वद दो जाई, पर अंत विच कृपा कर देती, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लया रलाए। गुरबाणी इस जुग में चानन पर नारी बाणी इस जुग गुरबाणी इस जग में चानन पर नारी कृपा कीती कर्म वसे मन आए। इत्थे महाराज कृपा करदे ने जिन्हां उत्ते वाहिगुरु कृपालू हुंदा है ओ गुरु दी बाणी नाल लगदे हन। गुरमुखो साडे भाग चंगे, साडा जन्म सिखां दे घर विच होया, साडे भाग चंगे सानू गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गा मिलिया, ते सतगुरां ने शरीर नालों सानू वखरा करके केवल ते केवल शब्द नाल जोड़िया। भावें शरीर अंदर ये जोत वरतदी रही, उस वेले भी एहो ही गल दुराई गई, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, पर जदों ये जोत ध्यान देवियो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर सुभाईमान हो गई, उस वेले भी सानू एक गल कही, एहो ही आखिया सी ना, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले, ते असी आज शब्द नालों टुट के फिर देहधारियां नाल देहां दे नाल जुड़दे जा रहे हां। बाणी नाल लगीए, बाणी ने साडा पार उतारा करना है, क्योंकि महाराज कृपा करदे हन। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पइयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को भुंचे तिसका होए उधारो, ए वस्त जी न जाई नित नित रख उरतारो, तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। क्योंकि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। जिन्ना उत्ते वाहिगुरु परमात्मा आप कृपा करदा है ओ गुरु दी बाणी नाल लगदे हन। सतगुरु कृपा करे आपां सारियां नूं ए दात जीवन दे अंदर प्राप्त होवे। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जियां दयाला। वाहिगुरु जी तेरी कीमत कौन पा सकदा है, केड़े केड़े पास्यों वाहिगुरु परमात्मा दी कीमत पावांगे। जे ओ मेहर करदा है ते उस वर्गा मेहरबान कोई नहीं, जे ओ कृपा करदा है उस वर्गा कृपालू कोई नहीं, जे ओ दया करदा है उस वर्गा दयालू कोई नहीं। ते महाराज आखदे ने वाहिगुरु जी मैं तेरी कीमत किवें पा सकदा, तू सारे जीयां दे उत्ते दया करन वाला है। सात संगत रब किसे नाल धरो नहीं कमांदा, पर आपां रब नूं भी उलेमा दे देने आ, रब भी साडे नाल धरो कमांदा पिया। फिर बेनती करां ओ मेहरबान है, हमेशा मेहरबान है, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। इत्थे महाराज कृपा करदे ने वाहिगुरु जी तेरी मेहर दी कीमत कौन पा सकदा है, तू सारे जीयां दे उत्ते दया करन वाला है। सब किछ कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला। वाहिगुरु परमात्मा जी असी तां तेरे पैदा कीते हुए तेरे बच्चे हां, गोपाल वाहिगुरु जी असी तेरे पैदा कीते हुए तेरे बच्चे हां। होना दुनिया दे विच ओ कुछ है जो कुछ तू आप करना है, तेरे तो बगैर कोई कुछ नहीं कर सकदा, क्योंकि कीता लोड़ै सो प्रभ होए, तुद बिन दूजा ना ही कोई, जो जन सेवै तिस पूर्ण काज
दास अपने की राखो लाज। महाराज पावन बाणी दे अंदर कृपा करते ने, जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे होए रही सो बात, सियानप काहू काम ना आत। जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे होए रही सो बात, वाहिगुरु जी सब किच कीता तेरा ही हो रहा है। गोपाल प्रभु असी तां तेरे बच्चे हां। राख लेहो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत किरपाला। वाहिगुरु जी मेरी रखिया करो, मेरी रखिया करो, मैं तुहाडा सेवक हां। जिवें पिता पुत्र दी रखिया करदा है, पुत्रां दी प्रतिपालना करदा है, इस तरह आप मेरी रखिया करो, क्योंकि मैं तुहाडा सेवक हां, तुहाडा बच्चा हां। क्योंकि महाराज ने पावन बारी दे अंदर कृपा कीती, सुत अपराध करते हैं जेते, जननी चीत नराकस चेते तेते। रा मैया हूं बारक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा। ये अरदास करन दा ढंग है कि वाहिगुरु मैं तुहाडा सेवक हां, मेरी रखिया कर। जिवें एक पिता अपने पुत्र दी प्रतिपालना करदा है, पुत्रां दी रखिया करदा है, इसे तरह मेरी रखिया कर। सात संगत समुचे शब्द दा भाव अर्थ ए है कि दातां दी खातर सुखां दी खातर असी कई वारी रब नालों टुट के बंदियां दी मुथाजी कढ़दे आं, बंदियां दे सोहले गाने आं, पर सतगुरु कृपा करन करन करावन हार वाहिगुरु परमात्मा सुखां दा दाता, वाहिगुरु परमात्मा सारियां दाता देन वाला वाहिगुरु है। असी बंदे दी मुथाजी ना कढ़िए, बल्कि ए अरदास करिए, विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। क्योंकि उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्योहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लै जियो। एक वाहिगुरु परमात्मा की आराधना करिए, उसके मुहताज बनिए, बंदे दियां मुहताजियां तो छुट जावांगे। सतगुरु कृपा करन आपां अपने जीवन के अंदर बाणी नाल जुड़िए, बाणी विचों सानू ये दात प्राप्त होवेगी, ते फिर साडा लोक नाल परलोक सौरेगा। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जियां दयाला। सब किश कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत किरपाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।